और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़ारा हो रहा है, कैसा फुटबॉल मैच हो रहा है यहाँ पे। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इस टाइम मैं हूँ बैंड हाउस के अंदर और यहाँ से पार्क तो ये जो नज़ारे देख रहे हैं आप, तो देखिए इस टाइम मैं मस्जिद के पास आ गया हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ियों की। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इस टाइम मैं हूँ हिमालय दर्शन रोड में और कुछ इस तरीके से हैं और यहीं पे बादल देखिए कितने प्यारे बादल देखने को मिल रहे हैं। चलो दोस्तों कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो। गए ब्लॉग के समय फिर आ गया हूँ आपका अपना जिसान की, और जो आज के ब्लॉग है नैनीताल के वेदर के समय, टूरिज्म के समय, पर्यटक के समय, और मैं दिखाने वाला हूँ नैनीताल में कितना कल रात से बारिश हुई है, सुबह 10 बजे तक बारिश थी, कैसा क्राउड है। आज शनिवार का दिन 3 अगस्त 2024 है, तो मैं दिखाने वाला हूँ कि नैनीताल में कैसा वेदर है, कैसा क्राउड है, बारिश कितनी हुई है, ठंडा है या नहीं है। और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं यार नैनीताल आना अगस्त में सेफ़ है या नहीं है। बिल्कुल सेफ़ है नैनीताल आना, आप नैनीताल आ सकते हैं, सारी रोडें खुली हुई हैं। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करते आज के लोग, मेरे ब्लॉग पर बने रहेगा सब करके मत देखना, नहीं तो कुछ ना कुछ जानकारी छोड़ देंगे। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इस टाइम मैं हूँ बैंड हाउस के अंदर और यहाँ से पार्क का नज़ारा आप देख सकते हैं और कुछ इस तरीके से नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक नज़र आ रही है आज। और कल रात से बारिश थी, सुबह तकरीबन 10 बजे से बारिश थी, 10 बजे के बाद हल्की बूंदाबांदी रही, उसके बाद फिर नैनीताल का वेदर कुछ इस तरीके से हो गया जैसा आप देख रहे हैं, ये पूरे काले बादल नज़र आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि कभी बारिश हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं, और ये NCC कैडेट वाले के सामने यार्ड बोर्ड चल रही है सामने ही, और जब बारिश पड़ने के बाद क्लियरिटी देखते हो, देख सकते हैं आप लोग कितनी क्लियरिटी हो जाती है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये तो इस तरीके से नज़ारा हो जाता है ये। तो इस टाइम मैं हूँ नैनीताल के सामने नैनीताल के लेक के पास और ये फुटपाथ में दुकानें खुलने का समय हो गया तकरीबन, और यहाँ से देख सकते हैं कि बोटिंग की जो बोट्स हैं उसकी संख्या देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा लग सकता है कि बहुत कम पर्यटक जो है बोटिंग कर रहे हैं इस टाइम। और आज सैटरडे है तो काफ़ी अच्छे पर्यटक नज़र आ रहे हैं सीज़न के मुकाबले, लेकिन ये पर्यटक जो कम है लेकिन ऑफ सीज़न के मुकाबले अच्छे पर्यटक नज़र आ रहे हैं, जैसा मैं देख रहा हूँ फुटपाथ में इधर उधर। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि बोटिंग करते हुए लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, जा रहे हैं बोटिंग करने, और ये फिश यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ से वेदर की बात करें तो इस तरीके से मौसम बना हुआ है, तो पानी का लेवल बहुत अच्छा हो गया, बहुत ऊपर तक पानी आ गया है, क्योंकि अब बारिश रोज ही है तो, और पानी की निकासी भी हो रही है, पानी छोड़ा भी जा रहा है तल्ली ताल से। और यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, तो ये जो नज़ारे देख रहे हैं आप लोग, ये नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब बरसात हो जाती है तो बरसात के बाद पूरा वेदर हमारा क्लियर हो जाता है, पूरा नैनीताल धुला धुला सा हो जाता है और वेदर भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसा अभी कल रात से सुबह तक बारिश थी, उसके बाद हल्के हल्के बादल लगे, रिमझिम बारिश हुई, और अभी आप देख रहे हैं जहाँ पे मेरा कैमरा है यहाँ पे आप कोहरा फॉग देख सकते हैं, और जितनी ये पहाड़ी है पूरी ग्रीन नज़र आ रही है सामने देख सकते हैं, चाहे वो पेड़ हो, जहाँ पर पेड़ नहीं है वहाँ पर काई है, तो वहाँ पर पूरा ग्रीन नज़र आ रहा है। और ये जो कोहरा आप देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बीच में से धुआं टाइप का उठ रहा है, तो ये नज़ारे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे फुटबॉल मैच शुरू होने वाला है, ये देख रहे हैं आप लोग, तो कुछ ही देर में यहाँ पे फुटबॉल मैच शुरू होगा तो काफ़ी लोग नज़र आएंगे यहाँ पे। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़ारा आ रहा है, आप जामा मस्जिद के आगे देखेंगे तो आपको हल्का सा जाम नज़र आएगा वहाँ पर, आज पता नहीं क्यों जाम लग रहा है, क्योंकि टूरिस्ट इतने आगे हैं क्या नैनीताल में, इतना जाम हो रहा है। तो और ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़ारा है ये, और जहाँ पे मैं ये देख रहे हैं कि कोहरा किस तरीके से नज़र आ रहा है, और ये है DSA का फील्ड ये, तो सामने कुछ इस तरीके से वेदर बारिश के बाद हो जाता है नैनीताल का, तो काफ़ी अच्छा वेदर हो जाता है जैसा आप सामने देख ही रहे हैं, और कोहरा भी नहीं है हालांकि इतना, और बादल तो लगे हुए हैं, बारिश अभी नहीं है लेकिन पूरा धुला धुला सा दिख रहा है। और यहाँ पर कुछ ही देर में फुटबॉल मैच शुरू होने वाला है, तो आपको दिखाते हैं वो कैसा फुटबॉल मैच हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए इस टाइम मैं मस्जिद के पास आ गया हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ियों की जाम की स्थिति, वो इसलिए लगती है क्योंकि सब पार्किंग में जाती हैं गाड़ियाँ, तो ये पार्क होने तो धीरे धीरे करके इनका नंबर आता है गाड़ियों का, तब ये जाती हैं पार्क होती हैं, तो इसी वजह से जाम बन लग जाता है यहाँ पर। और फुटबॉल मैच शुरू होने जा रहा है, तो ये देख सकते हैं सब बैठना शुरू हो गए और थोड़ी देर में अभी भीड़ बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़ारा है ये। और जो प्लेयर्स हैं, और सामने पार्किंग देख सकते हैं आप लोग, धीरे धीरे फुल हो जाएगी ये,
और यहाँ से वेदर की बात करते हैं, इस तरीके से वेदर है। देखिए इस टाइम मैं चार मार्केट के पास हूँ, भोटिया मार्केट, तिब्बती मार्केट, और इस तरीके से आज क्राउड देखने को मिल रहा है जैसा आप देख सकते हैं सामने। और वेदर भी अच्छा हो गया आज नैनीताल का, तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से क्राउड है यहाँ पे। तो लोग चार्ट मार्केट में फास्ट फूड खा रहे हैं, लोग कपड़े खरीदारी कर रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से नज़ारा है यहाँ पे पर्यटकों का चहलकदमी। और उधर फुटबॉल मैच चल रहा है। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इस टाइम मैं हिमालय दर्शन रोड में, और कुछ इस तरीके से नज़ारा देखने को मिल रहा है सामने, देख सकते हैं आप लोग ये। तो हालांकि दिन में मैंने व्लॉग शूट करा था, फिर मैं अपने हिमालय दर्शन रोड से व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से। और यहाँ देख सकते हो ऊँचाई, यहाँ पे धूप, हल्की हल्की धूप है, और कुछ इधर हल्की हल्की धूप है, और बादल देख सकते हो कुछ इस तरीके से बादल नज़र आ रहे हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग कुछ इस तरीके से है नज़ारा। तो देखिए इस टाइम हिमालय दर्शन रोड में, और यहाँ से कुछ इस तरीके से नज़ारा देखने को मिल रहा है जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सामने इतने प्यारे बादल नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये देख सकते हो आप लोग, तो कुछ इस तरीके से बादल नज़र आ रहे हैं। मतलब ये लगा लीजिए जो बादल हैं इनके ऊपर हम हैं, कुछ इस तरीके से ये देख सकते हो आप लोग। और यहाँ से कुछ इस तरीके से ये नज़ारा देखने को मिलता है जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपको ये नज़ारे, तो ये देख सकते हो आप लोग। तो हल्के हल्के जो बादल है ना वो नज़र आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग बस, और बाकी नीला आसमान है। तो आज तो वेदर काफ़ी नैनीताल का अच्छा रहा है। अभी मैंने आपको नीचे से दिखाया था, अब मैं हाइट से दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। और अभी भी ना बोट से चलनी है नैनीताल के साथ, नैनीताल की लेक में अभी बोट से चलनी है, और कुछ टूरिस्टों की गाड़ी यहाँ से जा रही है, यानी हिमालय दर्शन पॉइंट से इस नदी से आ रहे हैं। और सामने है टिप्पन टॉप, और यहाँ पर है केव गार्डन, ये लेक, इधर हमारी रूपे जाती है, 360 टावर इधर ही है। तो कुछ इस तरीके से नज़ारा है। तो मैं हूँ इस टाइम हिमालय दर्शन रोड में, तो गाड़ियाँ अभी भी जा रही हैं, और गाड़ियाँ आ रही हैं, और यहाँ से कतार से गाड़ियाँ लग जाती हैं बिल्कुल। तो इस टाइम मैं आ गया हूँ घर से, और घर से कुछ इस तरीके से व्यू देखने को मिलता है जैसा आप देख रहे हैं सामने। तो कुछ इस तरीके से नज़ारा है, और यहाँ पर बादल देखिए कितने प्यारे बादल दिख रहे हैं ये, तो ये देख सकते हैं आप लोग कुछ। और बोट से चल रही है, मैच भी हो रहा है अभी, तो ये देख सकते हैं। और यहीं पे बादल देखिए कितने प्यारे बादल देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से शाम को वेदर हो जाता है, नज़ारा हो जाता है, खूबसूरत नज़ारे शाम को तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। और हालांकि अब अंधेरा होने ही वाला है कुछ देर में, और जो धूप आ रही थी वो भी अब धूप चली गई है, तो पहाड़ों में धूप दिखा रहा था मैं आपको। तो कुछ इस तरीके से देखिए वेदर, देखिए बिल्कुल क्लियर है वेदर, नीला आसमान, बिल्कुल नीला आसमान है। तो कुछ इस तरीके से नज़ारे होते हैं नैनीताल के, सुबह धूप, बारिश थी, फिर धूप, फिर बादल, फिर कोहरा, कुछ इस तरीके से नैनीताल में रहता है वेदर। और अगस्त के महीने में तो बरसात रहती है, सितंबर से हाँ बरसात थोड़ी हल्की हो जाती है। तो अब देखते हैं कि आज बारिश होती है या नहीं होती है। फिलहाल कुछ इस तरीके से नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, तो ये देख सकते हैं। और बारिश के बाद कुछ इस तरीके से नज़ारे हो जाते हैं, बिल्कुल साफ वेदर। तो फाइनली आज का व्लॉग मैंने कंप्लीट कर लिया। अच्छा व्लॉग को पसंद है तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिसान नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।